छठे दिन भी जारी रही रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने की कलेक्टर से मुलाकात। 11 नंबर को जना अस्पताल में डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। साथ ही पुलिस द्वारा अस्पताल के लेबर रूम में आने पर और मामला दर्ज होने से खफा रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल को आज 6 दिन हो चुके हैं, इसलिए आज मेडिकल कॉलेज का प्रशासन कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर पहुंचा और वार्ता की कि इस मामले को जल्दी सुलझाया जाए ताकि आम जनता भी परेशान न हो। हमारे रेजिडेंट की हड़ताल है, हम लोग तो मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी है, वो हमारे बच्चे हैं और वो दिन भर काम करते हैं, न सोने का पता होता है, न खाने का पता होता है, न कुछ होता है। तो हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और हमने उनको ये कहा कि हम उनके साथ हैं और इसी आशय से हम लोग यहाँ मिलने आए हैं। और जो भी कुछ हो रहा है कि बगैर हमारा रेजिडेंट्स का पक्ष जाने हुए जो भी कार्रवाई हुई है, जो वो हितकारी नहीं है, अब वो उसमें कोशिश यही जारी है कि सारे जितने भी लोग हैं, हमें पुलिस वाले हैं या रेजिडेंट स्टाफ हैं, सब जने आपस में मिलकर बैठ के कार के सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आज नहीं निकालना है तो 5 दिन बाद निकालना है, 7 दिन बाद निकालना है, दैट इज इट। बस हम लोग तो चाहते हैं, इसीलिए हम शांतिपूर्वक मार्च करके आए हैं, शांतिपूर्वक ही सर का अपना ज्ञापन देकर जा रहे हैं और आगे कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी हड़ताल मिटे, क्योंकि त्यौहार का समय है। ये भास्कर साहब।